रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़, आज फ्राइडे 17 दिसंबर 2021, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़, आज शुक्रवार 17 दिसंबर 2021, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाकिलोम द्वारा जो वचन हमको पढ़ने के लिए मिला है, ल्यूक 1 चैप्टर 74 वचन से लेकर 75 वचन तक, ल्यूक 1 चैप्टर 74 टू 75 वर्सेस। लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय का 74 से 75 वचन तक, लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय का 74 से 75 वचन तक। इस वचन के आधार से आज का विषय है वॉक इन राइटियसनेस, धार्मिकता में चलिए। वॉक इन राइटियसनेस, धार्मिकता में चलिए। पास्टर क्रिस ओयाकिलोम वचन के आधार से हमको ये विषय सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे ल्यूक 1 चैप्टर 74 75 वर्स, दैट ही वुड ग्रैंट अन टू अस दैट वी बीइंग डिलीवर्ड आउट ऑफ द हैंड ऑफ आवर एनिमीज माइट सर्व हिम विदाउट फियर इन होलीनेस एंड राइटियसनेस बिफोर हिम ऑल द डेज ऑफ आवर लाइफ। और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 1 चैप्टर 74 75 वर्स, that he would grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear in holiness and righteousness before him all the days of our life। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, लूका रचित सुसमाचार एक अध्याय का 74 75 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार एक अध्याय 74 75 वचन, कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। थैंक यू जीसस। पास्टर क्रिस ओयाकिलो हमको ये वचन सिखाते हैं, सम क्रिश्चियंस से दे वांट टू मैनिफेस्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड इन देयर लाइव्स, येट दे डोंट लिव राइट। कुछ ऐसे मसीही हैं जो अपने आप के विषय में ऐसे कहते हैं कि वह जो परमेश्वर की महिमा है उसको अपने अंदर से प्रकट करना चाहते हैं उनके जीवन के अंदर, परंतु फिर भी वह जीवन को सही तरह से जी नहीं होते हैं, जीवन को ठीक तरह से वो जी नहीं रहे होते हैं। बट क्रिश्चियनिटी इज अ कॉल टू राइटियसनेस, परंतु मसीहियत का ये जो है बुलाहट ही है ये कि वह धार्मिकता के जीवन को जिए। राइटियसनेस इज अ गिफ्ट बट यू हैव टू वर्क आउट योर सेल्वेशन विद गॉडली रेवरेंस, फिलिपियंस 2 चैप्टर 12 वर्स, यू हैव टू लिव द लाइफ ऑफ अ राइटियस पर्सन। मसीहियत जो है वो अपने अंदर खुद एक बुलाहट लेके आपके जीवन में प्रवेश किया है, और उसकी बुलाहट यही है कि मसीहियत धार्मिकता के साथ जिया जाना चाहिए। अब ये धार्मिकता जो है वह एक वरदान है, परंतु वरदान होने के बावजूद भी आप उस वरदान को आपके जीवन के अंदर खुले आम प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको उस छुटकारे के लिए जो आपको वह परमेश्वर का आदरणीय भय देता है, उस भय को प्राप्त करने के लिए आपको उस वरदान के अनुसार काम भी करना पड़ता है, जिसके विषय में बताया गया है फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 12 वचन में। और आपको उस धार्मिकता का धर्मी जीवन जीने वाला व्यक्ति आपको बनना ही पड़ता है, तभी जाकर आपके लिए दिया गया मसीहियत जो वरदान है धार्मिकता का वो आपके जीवन में प्रकट होता हुआ दिखाई देगा। हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन में से पढ़ेंगे इसी विषय में, रिदा लेखिया जो ओसो एदाने खेंबो इखासे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन, इसलिए हे मेरे प्रियो जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी
न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और एक बार पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री 2:12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो धर्म के जीवन को जीना यानी धर्म धार्मिकता के जीवन को जीना, यही तो बुलाहट है मसीहियत के ऊपर। और धार्मिकता को के जीवन को जीना ये एक काम है मसीहियत को दिया गया, जो छुटकारे का जो ईश्वरीय आदर हमारे अंदर लाता है, वो ईश्वरीय आदर के साथ हमको जीने का रास्ता देता है। वो छुटकारा हमारे अंदर काम में लाना है, हमने अपने जीवन में धार्मिकता के गुणों को जीना है, हमको ऐसा ही जीवन जो धर्मी व्यक्ति जीना चाहिए हमको जीना ही पड़ता है। तो इसके लिए भले ही मसीहियत के लिए धार्मिकता ये एक वरदान प्राप्त किया गया है, लेकिन फिर भी धार्मिकता के चाल चलन को हमारे जीवन में काम में लाना पड़ता है और उसको चलना पड़ता है हमने। इट्स कॉल्ड राइट लिविंग, उसी को कहा जाता है सही तरीके का जीना। द क्राइस्ट लाइफ इन यू मस्ट बी लिव्ड अकॉर्डिंगली, द वर्ड ऑफ गॉड इज योर लाइट। जो मसीह जीवन आपके अंदर है, आप मसीह के तरीके से उसको जीना चाहिए, और जैसा परमेश्वर का वचन है वह आपके लिए ज्योति है, उस ज्योति के अंदर से आपको देखना चाहिए कि आपका जीवन किस प्रकार से आपको जीने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से आपको जीवन जीने के लिए कहता है परमेश्वर का वचन, बिल्कुल उसी तरह से आपको जीना है, और वही आपका मसीह जीवन होता है। जीसस सेड, इफ ये लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, John 14:15। और यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14:15 में। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। The proof of your love for him is to do his word. It's to manifest his love, his character. तो आपको साबित किया जाता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेम रखते हो तो आप उसके वचन का पालन भी करोगे। यही आपका साबित सबूत बनता है कि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हो। यही है आपने प्रकट करना प्रभु यीशु के प्रेम को, उसके चरित्र को, उसके जीवन को, उसके स्वभाव को आपके अंदर से प्रकट करना, उसी को धार्मिकता कहा जाता है। और उसी की धार्मिकता फिर आपके अंदर आप जी रहे होते हैं। आपको सिर्फ वह सही तरीका जीवन का इतना ही संभव करके नहीं देता है, बल्कि आपको आसान करके देता है, आपको धर्मी व्यक्ति बन के जीना आसान करके देता है। यू कैन प्लीज हिम एवरी डे विदाउट हैविंग टू स्ट्रगल, आप उसको हमेशा ही खुश कर सकते हैं हर एक दिन, कोई भी संघर्ष किए बिना। ऑल यू हैव टू डू इज लीव द वर्ल्ड, टेक योर स्टेप्स एंड एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ गॉड्स वर्ल्ड एंड वॉक इन लव। आपको क्या करना है, केवल इतना ही कि आपने जो वचन कहता है उसी के आधार से जीवन को जीना है, और फिर आपने ऐसे ऐसे कदम उठाना है, और आप ऐसे प्रकार से परमेश्वर का वचन का आधार लेना है, और प्रेम में ही आपको चलते जाना है। परमेश्वर के आधार लेकर, जो वचन कहता है उसके आधार लेकर ही आपको अपने कदम उठाना है, और आपने अपने अंदर से काम भी करना है जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, और परमेश्वर के प्रेम के साथ आपको चलना भी है। देन यू विल सी His glory manifested in your life in ways you never thought possible.
अब फिर क्या हो जाता है, आप देखेंगे उसकी महिमा प्रकट हो जाती है आपके जीवन के अंदर अलग अलग रास्तों से। आपने कभी इसके बारे में संभव होते हुए सोचा भी नहीं रहेगा। द क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ ग्लोरी एवरी डे। इट्स अबाउट लिविंग आउट हिज राइटियसनेस इवन इन सिंपल थिंग्स सच एज योर डेली डिसीशंस, कन्वर्सेशंस, रिलेशनशिप विद अदर्स एक्सेट्रा। मसीह जीवन जो है वह महिमा का ही जीवन है रोज के दिन के लिए। यह इस प्रकार से जीवन है जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की है, उसी के विषय में ये जीवन का सब कुछ है। बिल्कुल इतना भी कि जो साधारण चीज़ें दिखाई देती है आपके रोज के जीवन में, जैसे कोई फैसला करना, कोई बातचीत चलाना या कोई रिश्तेदारी निभाना किसी के साथ, ये सब कुछ भी मायने करता है कि आपके अंदर से यीशु मसीह के धार्मिकता ही का जीवन आगे बढ़े और काम करे। यू हैव बीन कॉल्ड इन टू लिबर्टी टू लिव राइटियसली फॉर द लॉर्ड। आपको इसी स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया है कि आप जैसा प्रभु चाहता है आप प्रभु के लिए धार्मिकता के साथ सही जीवन का तरीका जी सके। Romans 6 chapter 14 verse says, for sin shall not have dominion over you। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार से पवित्र बाइबल बताता है, हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। हालेलुया, यह भाग ऐसा लिखा है रोमियो के पत्री 6 अध्याय के 14 वचन में, यह भाग है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। You have the nature of love and righteousness and you can live above sin। आपके पास स्वभाव है परमेश्वर के प्रेम और धार्मिकता का। आप पाप के ऊपर चढ़ाई करके जीवन को जी सकते हैं। The Bible says, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son। Colossians 1 chapter 13 verse। और कुलोसियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 13 वचन में इस प्रकार से पवित्र बाइबल बताता है, हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। The Lord Jesus has given you the victory over sin. Therefore, walk in righteousness. प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीत दिलाई है पाप के ऊपर। इसके लिए धार्मिकता में आप चलिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हमारी अनाज्ञाकारिता ये एकमात्र कारण है खुदा कि हम शरीर में शैतान के आत्माओं के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। शरीर के भावनाओं में, सोचों में खुदा हमारे पाप है। जैसा तूने कहा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का जैसा वचन कहता है खुदा परमेश्वर कि अगर तूने व्यभिचार सिर्फ मन के अंदर किसी स्त्री के बारे में कुछ कुदृष्टि डाली तो भी तूने व्यभिचार कर लिया और वह तेरे लिए पाप गिना जाता है। मेरे पिता, तेरा वचन कहता है अगर तेरा हाथ पाप करता है तो उस एक हाथ को उखाड़ दे, बिना हाथ के तू स्वर्ग में जाना उचित है, बल्कि तू हाथ के साथ पाप करके तू नरक में जाने से तो अच्छा ही है कि तू उस हाथ को उखाड़ दे और तू स्वर्ग के राज्य में बिना हाथ के प्रवेश कर। मेरे पिता, तेरा वचन कहता है अगर तेरी आँख दुष्टता करती है, पाप करती है, तो उस आँख को उखाड़ दे, आँख रख कर पाप करते हुए जाने से, नरक में जाने से तो अच्छा है कि तू आँख उखाड़ कर बिना आँख के तू स्वर्ग में चला जाए। मेरे परमेश्वर, शरीर के प्राथमिकता जो भी है पिता,
जो शरीर के ऊपर पिता हमको चाहिए, लेकिन वो पिता जेनुइन ज़रूरतें हैं हमारी, लेकिन पिता हमारे पास नहीं है। अब फादर गॉड, इसके लिए पाप के अवसर हमारे सामने रखे जाते हैं, तो मेरे खुदा परमेश्वर, हम उस शरीर के ज़रूरतों के अंदर बिना कुछ ज़रूरतों को पूरा किए मर जाएंगे, लेकिन उन ज़रूरतों को पाप के अवसरों के द्वारा हम पूरा करना नहीं चाहते हैं। आबा फादर गॉड, पाप के अवसर हमको नहीं चाहिए। आबा फादर गॉड, हम ज़रूरतों के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिना पूरे हुए भी जीते हुए स्वर्ग में पहुंचना पिता परमेश्वर आनंददायी मानते हैं, लेकिन ज़रूरतों को पाप के अवसर लेकर पूरा करके हम स्वर्ग के राज्य को खो देना नहीं चाहते हैं। पत्रस पौलुस के पत्री में यह लिखा है, खुदा पौलुस के पत्री में यह लिखा है, अधर्म के काम करता हुआ कोई जा रहा है तो फिर वो ये ना सोचे कि वह स्वर्ग का वारिस हो जाएगा। मेरे परमेश्वर, अगर हम मसीह हैं और हमारे शरीर को व्यवस्थाओं के अधीन ला रहे कि हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं और इसके लिए हम कोई भी तेरे अनज्ञाकारिता को लेकर पिता हम अपने शरीर की देखभाल कर रहे हैं, तो वो पिता परमेश्वर अधर्म में गिनती किया जाता है। अधर्मियों को पिता परमेश्वर तुझ में कोई जगह नहीं है। इसके लिए खुदा हमारे ऊपर विपत्ति है, इसके लिए पिता हम पर पिता शत्रु के श्राप पड़ते हैं, इसके लिए खुदा परमेश्वर हमारा जीवन नहस तहस किया जाता है। मेरे पिता, तुझसे विनती करते हैं, हमें माफ़ कर, हमारे शरीर के ज़रूरतों के अनुसार जो भी हमने पिता अधर्म करने का स्वभाव बना लिया है, जो अधर्म के अंदर हम पिता इतने घुल चुके हैं कि अब तेरे धार्मिकता के रास्ते पकड़ना मुश्किल लगता है हमको और पसंद नहीं आ रहा है। फादर गॉड, हमारी ये अधर्म के अंदर के जड़ तोड़ दे खुदा परमेश्वर, अधर्म के गढ़ों को हमारे अंदर से खत्म कर खुदा, हमें जिस जरूरत के लिए पिता हमने अधर्म करना मान लिया था, उस मान लेने वाले अवस्थाओं को हम कैंसिल करते, ब्रेक करते, डिस्ट्रॉय करते हैं। हम अपने आप को उन सारे मान लेने वाले अवस्थाओं के अंदर से खुलवा लेते हैं, और जिसके अंदर से शैतान के काम हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। अब फादर गॉड, तेरा वचन कहता है जिसके तो सुनेगा उसका तो गुलाम होगा। मेरे पिता, जो अधर्म की हमने सुनी वहीं पे उसके शक्तियों के नीचे हम गुलामी में आ गए। अब वो शक्तियों के गुलामी से हम छूटने का रास्ता उन सारे मान लिए हुए अधर्म के कामों को इनकार करते हैं हम। अब फादर गॉड, अब से पिता अनुग्रह दे कि दोबारा हम अधर्म के नीचे दबाए ना जाए, अधर्म के शक्तियों के ऊपर हम अपने जोर चढ़ाकर उसे पीछे हटा सके और परमेश्वर का जोर हम में बढ़ाया जाए। परमेश्वर दुष्ट का अंत निश्चित करता है, अधर्म का भी जोर हमारे ऊपर से खत्म करने का वायदा है तेरा। अब फादर गॉड, तुझ में ऊंचा होते जाए और अधर्म हमारे अंदर से खत्म होता जाए, शत्रु के जोर हमारे ऊपर से खत्म होते जाए, शत्रु के शक्तियां हमें छोड़कर निकल जाए, शत्रु के डेरे हमारे ऊपर से टूट जाए, हमारा घर परिवार परमेश्वर के जनों से भर जाए, परमेश्वर के अवस्था और व्यवस्था को स्वीकारे, परमेश्वर अधर्म के काम के हर हथियार तोड़ दे, हमारे घर के अंदर कोई अधर्म का सिंहासन लगने ना पाए, कोई अधर्म के कामों का कोई ठिकाना बनने ना पाए, नासरी यीशु के नाम में रबिया खुपता लरासियंदुरा क्लक्तुल्ला लहसे कबोताल एबाशर कसी खतकिन वगाता नमासे कबतुल एबाशर खतिन इराल अखासी अंदुगा बसा जैतकिन अखम ओहल्लरा अताल आकाश मेरे पिता, हमारे कोई भी शरीर प्राण आत्मा के हिस्से में शैतान के आत्मा को रुकना मुश्किल कर दे, हमारे इर्द गिर्द में शैतान के आत्माओं को रुके रहना मुश्किल कर दे, हमारा धर्मी स्वभाव इतना ज्यादा बड़ा, इतना ज्यादा तेज कर पिता कि अधर्म के काम हमारे सामने फेल होते जाए और हम पर वो हावी होने ना पाए, हमारे शरीर
शरीर के अंदर के अधर्म खत्म कर पिता, हमारे शरीर के अंदर की अनाज्ञाकारिता खत्म कर मेरे परमेश्वर, हमें तेरे आज्ञा पालन के बाड़ा के अंदर लेकर आ। हम विनती करते हैं हमें शत्रु के चपेट में से छुड़ा कर हमें तेरे आज्ञा पालन के दायरे में लेकर आने की तुझसे विनती करते हैं पिता। हम में तेरी शांति को बढ़ा, हमारे दायरे तेरे शांति में बने रहे, नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। रिबांता खबर रखा लरबहा अखासी ही कदकिन बराखा शरद के से, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, हमारे धन्यवाद को बलिदान को स्वीकार कर, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।